आज है हमारी कार ड्राइविंग का दूसरा दिन। तो आज जब मैंने गेट खोलकर देखा तो आसपास इतना कोहरा था कि ऐसा लगा कि मैंने शायद दिल्ली में तो गेट नहीं खोल दिया। तो इसे इग्नोर करके पूरी सावधानी रखते हुए मैं पहुंच जाता हूं अपने स्कूल, सॉरी ड्राइविंग स्कूल। तो इस सुरक्षा कवच को पीछे वाली सीट पर फेंक कर ड्राइविंग सीट पर बैठकर मेरे हाथ जैसे स्टीयरिंग पर पड़े मेरे अंदर से खिलाड़ी की आवाज आई। अब देखना यह है कि ये गाड़ी सिर्फ चलती है या फिर भागती भी है। पर थोड़ी ही स्पीड में मेरा मोबाइल धरती चाटने लग गया और गाड़ी बंद हो गई। तमता बड़े है ड्राइवर भाई। वैसे मैं कार सीख क्यों रहा हूं, कार लेने के लिए नहीं बल्कि प्लेसमेंट सीजन में अपने रिज्यूमे में एक और स्किल ऐड करने के लिए। फिर हमने हाईवे पर भी गाड़ी दौड़ाई और फिर मैं वापस घर के लिए निकल गया। और हेलमेट का ऐसा इस्तेमाल करना तो कोई हमसे सीखे ये बात फैलनी नहीं चाहिए, वरना 5 मिनट क्राफ्ट वाले ये आइडिया भी चुरा लेंगे। फिर मुझे जाना था भोपाल एंड मेरे साथ हुआ एक चमत्कार। बहुत दिनों बाद मुझे जनरल में सीट मिल गई एंड फिर भोपाल पहुंचकर ओला करके मैं अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचा जहां हमने हमारी म्यूजिकल वीडियो का शूट किया। एंड फिर वापसी की ट्रेन पकड़कर मैं पहुंच गया विदिशा। वैसे विदिशा में मीटअप का क्या ख्याल है तो विदिशा वालों कमेंट में बताना। बाकी डू सब्सक्राइब फॉर मोर।